देखिए आज का कार्यक्रम हमारा ये है कि हम खेड़ी चौक पर अभी इकट्ठे हुए हैं किसान। हम दिल्ली की तरफ है, हमारा दिल्ली कूच का आंदोलन कार्यक्रम है। हम इसी तरह पैदल कहीं ट्रैक्टर में दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब का किसान जो आ रहा था, हमारे हरियाणा सरकार ने उनके साथ बहुत ही ज्यादती करी है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि यह देश की राजधानी किसानों की नहीं है क्या? वो अपनी बात करने जा रहा था, उनको शांतिपूर्ण तरीके से अगर जाने देते तो एक ग्रुप था, वो अपनी बात कहता, मानना ना मानना सरकार बात करती वो अलग बात था, मगर उनका स्वागत है जिस तरह लाठियों से आंसू गैस के गोलों से किया गया वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमारी एक सोच बनी है कि हरियाणा का किसान भी, जो उन साथियों ने कॉल दी थी दिल्ली चलो, हम भी दिल्ली चलो की कॉल की। हिसार जिले के किसान खेड़ी चौपटा पे इकट्ठे। देखिए मैं आपको बताऊं, ये 15 तारीख को एक मीटिंग हुई थी शिशाए के अंदर, और उन्होंने फैसला लिया था कि 20 तारीख को खेड़ी चौपटा पे इकट्ठे होकर के, जहां खेड़ी वाले किसान कहेंगे, पर्टिकुलर बल्कि मेरा नाम लिया गया था कि वो जहाँ वो कहेंगे हम वहीं चलेंगे। मैं उस दिन जींद पंचायत में गया हुआ था, मेरे से उन्होंने संपर्क कराया, यहाँ हमारी मीटिंग हुई खेड़ी के अंदर, 10 आदमी कमेटी उनकी आ गई और एक 2-3 साथी हम थे। हमारी तैयारी इसी तरह पैदल की दिल्ली कूच की 16 तारीख की थी कि हम भारत बंद के बहाने यहाँ इकट्ठे होंगे, 16 तारीख को दिल्ली की तरफ जाएंगे, मगर हमारी सारी बात चलने के बाद ये तय हो गया। वो कहने लगे जी हमने तो 20 की कॉल दे दी। हमने कहा भाई लंबी है 20 तक तो बहुत कुछ हो जाए, 5 दिन पड़े हैं, 2 दिन हम आपका वेट कर लेते हैं, 2 दिन आप पहले कर लो। तो हमारी तय बात होगी पूरे हिसार जिला के किसानों की एक मीटिंग हो करके, जिसमें सभी संगठनों के जिला अध्यक्ष शामिल थे, और ये तय होगी कि खेड़ी इकट्ठे होकर के हम लगभग 11 बजे, अभी तो 12 बज गए हैं बल्कि 1 घंटा लेट है, हम लगभग 11 बजे हम खेड़ी चौक से दिल्ली की तरफ चलेंगे। जहाँ भी नाइट होगी वहीं पर आज की नाइट वहाँ गुजारेंगे, कल फिर आगे चलेंगे। किसान अगर इस गुटों में बटेंगे तो फिर नहीं, गुट तो नहीं है, कहाँ गुट है, नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं गुट है, वो साथी पहले चल रहे थे, अब हम उनकी सपोर्ट में चल रहे हैं। खड़े थे हरियाणा का मुंह दिखा है, अगवाई आ रहा था, आंदोलन शुरू हो गया हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में कोई एक्टिविटी नहीं थी उससे पहले, और ये सबसे अच्छी जगह है अगर आप लोग मिलकर लड़ोगे तो, जाना चाहोगे तो दिल्ली भी दूर नहीं है, यहाँ से गांव के बीच से दिल्ली भी जा सके, जाना चाहोगे तो खनौरी भी बॉर्डर तक हम सिंगल रास्तों से बिना किसी का चोट पेट करवाई उस बॉर्डर तक पहुंच सका। लेकिन वो फैसला जब लेना पड़ेगा जब हमारे द्वारा एक तो संख्या हो, और फिर आगे ले गया जो बातचीत चल रही है, मान लिया 70 का उनकी बातचीत मन जा, फिर सिर्फ उड़ा की केकरों के उड़ा, अक्सर पुराण खात्र मानस फालतू है। आंदोलन के तरीके होते हैं, और आंदोलन एकता के साथ, रणनीतियों के साथ, समझ के साथ आंदोलन लड़े जाते हैं, नू रुके मानते भाई आपस में लड़न पे आंदोलन लड़िया नहीं जाओगा। और खेड़ी चौपटा पंचायत न शसाए पंचायत में प्रधान जी एक बात के ऊपर भी प्रस्ताव पास किया गया था, यो आंदोलन आएगा तो किसान आ रहेगा और जीतेगा तो भी किसान जीतेगा। अगर यो आंदोलन ये हार गए, और जो दिल्ली वाला जीत किया है दे उसके ऊपर भी माटी फिर लीप देगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।